नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। चाहे आप इसराइल को सपोर्ट करें या पैलेस्टीन को सपोर्ट करें, या इनफैक्ट गज़ा में जिस तरीके से लोगों के ऊपर बॉम्बिंग किया गया है आप उनको सपोर्ट करें, ये आपका पर्सनल इश्यूज़ है। अगर आप पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हैं तो आपके लिए इसराइल बुरा है, और अगर आप किसी भी तरीके से इसराइल को सपोर्ट करते हैं तो पैलेस्टीन बुरा है। लेकिन इन सब पूरे एपिसोड में आप इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते हैं कि इसराइल एज एन कंट्री का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, ये सच में काफ़ी केपेबल है। क्योंकि जिस तरीके से मोसाद तेहरान में जाके इस्माइल हनिया को मारता है, वो तरीका अपने आप में काफ़ी इतना ज़्यादा, मतलब उसके आपके पास एग्जैक्टली शब्द नहीं रहेंगे जिस शब्द से आप इस ऑपरेशन के बारे में ज़िक्र करो। चाहे आप बात करें CIA के बारे में या दुनिया के और भी किसी अलग अलग देशों के इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के बारे में, हर कोई कह रहा है कि मोसाद की जो कैपेबिलिटीज़ है इसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। नॉर्मली किसी भी देश के जब लीडर का असैसिनेशन होता है तो उसके पीछे मल्टीपल थ्योरीज आने शुरू हो जाते हैं, और इससे रिलेटेड हमें और भी इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगा आने वाले कुछ दिनों में। अगर आपको अभी रिसेंट इंसिडेंट याद होगा जहां पर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गोली चलाई गई थी, तो उसके बारे में भी मल्टीपल रिपोर्ट्स आने शुरू हो गए, जहां पर किसी ने कहा कि वो जानबूझ के इलेक्शन जीतने के लिए अपने ऊपर गोली चलवाएं, और भी अलग अलग थ्योरीज आएं। इसी बीच अगर बात किया जाए इस्माइल हनिया के बारे में, तो यहाँ पे भी एक कहानी हमारे सामने आ रहा जहाँ पे ये कहा जा रहा कि इस्माइल हनिया को मारने के लिए बाहर से रॉकेट दागे गए हैं। लेकिन जिस तरीके से इस्माइल हनिया को टारगेटेड तरीके से मारा गया है, और उसके बाद जब भी कभी भी रॉकेट को बाहर से दागा जाता है तो जो डैमेज होता है वो बाहर से होता है, लेकिन जिस हिसाब से इस्माइल हनिया को मारा गया, ये काफी टारगेटेड तरीके से मारा गया है, और जो डैमेज हुआ है वो घर के अंदर से डैमेज हुआ है, और वो भी बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से डैमेज हुआ है। तो मोर और लेस जो हमारे पास जानकारी है, इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो थ्योरी दिया जा रहा है जहां पे ये क्लेम किया जा रहा कि किसी बाहर से रॉकेट का इस्तेमाल करके इस्माइल हनिया को मारा गया है, ये थोड़ा सा अपने आप में कमजोर है। ईरान वैसे सभी देशों को या ग्रुप्स को सपोर्ट करता है जिनके संबंध इसराइल के साथ अच्छे नहीं है, और वो किसी भी तरीके से इसराइल से अपनी दुश्मनी को निकालना चाहता है। इसी बीच 2017 से जब से इस्माइल हनिया हमास के पॉलिटिकल डिवीजन के चीफ बनते हैं, तब से इनको तेहरान में एक गेस्ट हाउस अलॉट किया जाता है जिसमें मल्टीपल रूम्स होंगे। उसमें से भी क्या था कि 3 रूम का इस्तेमाल इस्माइल हनिया अधिक करते थे, और इन्हीं 3 रूम में बॉम्ब को प्लांट किया गया है। तो यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये है कि जिस तरीके से इस्माइल हनिया के मूवमेंट के बारे में मोसाद को मालूम था, और उनको ये भी मालूम था कि इस्माइल हनिया मेजरली 3 ही रूम का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बाद मोसाद क्या करता है कि जो इस्माइल हनिया के प्रोटेक्शन में गार्ड्स थे उनको ही अपने तरफ मिलाता है, और कैसे मिलाता है ये बात अब तक मालूम नहीं पड़ा है। तो जिस तरीके से इस्माइल हनिया को मारा गया है, इनको मारने के लिए जब तक कि आपके इंटरनल लोग मोसाद को इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, तब तक जिस तरीके से मारा गया है उस ऑपरेशन को कभी भी अंजाम नहीं दिया जा सकता था। और उसके बाद अगर बात किया जाए कि बॉम्ब प्लांट करने का, तो इस चीज को आप बहुत ही लॉजिकल तरीके से समझिए कि जो बॉम्ब भी इस्तेमाल किया गया होगा मारने के लिए, वो भी परहैप्स द मोस्ट एडवांस टाइप का बॉम्ब होगा। क्योंकि अगर बॉम्ब जिस तरीके से भी लपेटा गया होगा या रखा गया होगा, अगर वो बहुत बड़ा होता तो वो नजर में आने के चांसेस काफी हो जाते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया होगा, और साथ में ये भी ध्यान रखा गया कि वो उतना ही डेडली हो कि अगर वो किसी भी कीमत पे अगर फटे तो जो उस रूम में रह रहा उसके बचने के चांसेस डेफिनेटली 0 हो। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के बारे में कहा जाता है कि ये काफी एलीट ग्रुप ऑफ फोर्सेस हैं, और इस्माइल हनिया को इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के द्वारा ही प्रोटेक्शन दिया जाता है। इसमें भी 5 डिवीजन होते हैं। तो यहां से एक बहुत ही बड़ा जो सेटबैक ईरान के लिए है वो ये है कि जिस तरीके से तेहरान के अंदर घुस के मारा गया, ये कंप्लीट तरीके से इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड में जो कमियां हैं उसको एक्सपोज करता है। उसके बाद जितना अंदर मोसाद घुस सकता है, ये भी कहीं ना कहीं ईरान के कैपेबिलिटीज के ऊपर सवाल उठाता है। और साथ में इस्माइल हनिया का जो असैसिनेशन होता है वो 31 तारीख के रात 2 बजे के आसपास में होता है, और 30 तारीख को ईरान के जो नए प्रेसिडेंट बनते हैं उनका शपथ ग्रहण था। तो कहने का मतलब है कि एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट डे के दिन इस्माइल हनिया को मारा जाता है, और फुल प्रोटेक्शन के अंदर मारा जाता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो सवाल है, या यूं कह ले कि जो कैपेबिलिटीज के ऊपर सवाल उठ रहे हैं ईरान के ऊपर, ईरान कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहेगा, और ईरान जल्द से जल्द कुछ ना कुछ ऐसा स्टेप लेगा जिससे कि ये अपने आप को दिखा पाए कि ईरान इतना कमजोर नहीं है। उसके बाद में जिस एजेंट्स का इस्तेमाल किया गया वो बकायदा इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के ही एजेंट थे, और समझिए कि किस तरीके से मोसाद वालों ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के लोगों से मिले और उनको इस हद तक कन्विंस किए
कि आप इस्माइल हनिया को मारिए और ये लोग कन्विंस भी हो जाते हैं और बकायदा उन सभी रूमों में बॉम्ब प्लांट्स किए जाते हैं जिस रूम में ये शक था कि इस्माइल हनिया वहां पे रहेंगे। इसी बीच मई के महीने में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उस वक्त के जो ईरान के प्रेसिडेंट होते हैं इब्राहिम राइजी उनकी जान चली जाती। तो जब इब्राहिम राइजी का फ्यूनरल निकलता है तो उस वक्त भी मोसाद ये कोशिश करता है कि वो इस्माइल हनिया को मारे, क्योंकि इब्राहिम राइजी ईरान के प्रेसिडेंट थे इसलिए इनके जो फ्यूनरल था उसमें काफी लोग वहां पे थे। तो कहीं ना कहीं मोसाद को ऐसा लगा था कि अगर इब्राहिम राइजी की फ्यूनरल में अटैक किया जाता है तो जो चांसेस है इब्राहिम राइजी को मारने का वो घट जाएगा और इब्राहिम राइजी को ना मार के और भी अलग अलग लोगों की जान चली जाएगी। तो किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी का जो कैपेबिलिटीज होता है वो इसी बात पे निर्भर करता है कि आप कितने एक्यूरेट हैं और कितने प्रेसाइज तरीके से आप ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। साथ में एक चीज जो समझने वाली बात है वो ये है कि ये है ईरान, ये है यहाँ पे है इसराइल। अगर ईरान किसी भी तरीके से इसराइल के ऊपर अटैक करेगा तो उसे कम से कम इराक का एयर स्पेस को यूज करना पड़ेगा, जॉर्डन के एयर स्पेस को यूज करना पड़ेगा या इनफैक्ट सीरिया के एयर स्पेस को यूज करना पड़ेगा। और जैसे ही इन सब देशों को मालूम पड़ेगा कि ईरान अटैक करने वाला है वैसे ये सारे देश मिलकर यूएसए को इसराइल को बता देंगे। तो जो आज के डेट में सबसे अधिक खतरा है इसराइल को वो है लेबनान और जॉर्डन से, या इनफैक्ट हम कह लें कि जॉर्डन से भी नहीं बल्कि लेबनान से, उसके बाद वहां के हिजबुल्ला से। तो जितना डैमेज हिजबुल्ला कर सकता है इसराइल को उतना डैमेज शायद कोई और नहीं कर सकता है। ये पॉसिबिलिटीज काफी बढ़ गए हैं कि जो ज्यूइश लोग हैं उनको अलग अलग देशों में इंडिविजुअल तरीके से टारगेट किया जाए। और साथ में अगर बात करें ओमान के बारे में या सऊदी अरेबिया के बारे में तो ये लोग अब तक साइलेंट बैठे हुए हैं। ये लोग साइलेंट इसलिए भी बैठे हुए क्योंकि हर देश की अपनी मजबूरी होती है, हर देश का अपना इंटरेस्ट होता है। सऊदी अरेबिया कभी भी नहीं चाहेगा कि इसके जो एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल है वो किसी भी तरीके से रुके, या इनफैक्ट यूएई भी कभी नहीं चाहेगा कि इसके देश में जो टूरिस्ट बाहर देशों से आ रहे हैं उस पर किसी भी तरीके से इम्पैक्ट पड़े या किसी भी तरीके से यूएसए को ये नाराज करे और अपने ऊपर सैंक्शंस को अट्रैक्ट करे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हर देश के अपने अपने इंटरेस्ट है, और क्योंकि इसराइल को अनकंडीशनल सपोर्ट है यूएसए का और यूएसए एक ग्लोबल सुपर पावर है तो हम बहुत हद तक कह सकते हैं कि यूएसए अपना मनमानी कर रहा। और साथ में एज एन इंडियन जो हमें जानना है समझना है वो ये है कि अब तक हमारे पास जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से मोसाद को एनुअल बजट 3 बिलियन का एलोकेशन मिलता है और इनके पास एक एस्टिमेटेड के हिसाब से 7,000 इनके स्टाफ हैं जो कि ऑलमोस्ट इनके लिए डायरेक्टली काम करते हैं, और इनडायरेक्टली कितने स्टाफ होंगे उसका कोई गिनती ही नहीं है। तो यहां से भी हमें समझ में आता है कि जब कोई भी देश अपने किसी भी डिपार्टमेंट में इतना ह्यूज तरीके से पैसे इन्वेस्ट करता है तभी जाके वो जो डिपार्टमेंट या स्पेसिफिक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो डेवलप कर। और जिनको भी हमारे बीच ये लगता है कि इसराइल में करप्शन नहीं है या तो वहां के जो पॉलिटिशियंस है वो बड़े अच्छे हैं तो आपको गलत लगता है। जितना करप्शन दुनिया के और अलग अलग देशों में है एग्जैक्टली मोर और लेस उतने ही करप्शन इसराइल में भी है। उसके बाद मोसाद के बारे में ये भी कहा जाता है कि मोसाद के जो एजेंट्स हैं वो हर उस देश में तैनात है और बहुत डीपली तैनात हैं जिन देशों के साथ इसराइल के संबंध अच्छे नहीं है। अभी रिसेंट में आपके पास हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है जहां पे चाहे आप इस्माइल हनिया की बात कर ले या लेबनान में जिस तरीके से अटैक किया गया उनके लीडर्स के ऊपर और बहुत ही प्रिसाइज तरीके से अटैक किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं ये सब बता रहा कि मोसाद कितना कैपेबल है और इसके जो सोर्स हैं वो कितने इफेक्टिव हैं। और साथ में बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स भी है जहां पे ये भी क्लेम किया जा रहा है कि इस्माइल हनिया को कतर में भी मारने का अटेम्प्ट किया गया या उसके बारे में प्लान्स बनाए गए थे, लेकिन क्योंकि कतर इस पूरे एपिसोड में अपने आप को न्यूट्रल रखना चाह रहा तो शायद ये हो सकता है कि मोसाद को ऐसा लगा होगा कि अगर वो कतर में किसी भी तरीके से हमास के लीडर को मारते हैं तो इससे जो संबंध है इसराइल और कतर के साथ वो खराब हो जाए। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।